क्या कर रहा है पारस? कुछ नहीं मम्मी, वो ये बुक मेरे को पसंद है ना, तो मेरे को देख रहा था कि कितने रुपए की हो गई है। ले, यही बुक चाहिए थी ना? अरे मम्मी, चाहिए तो यही बुक थी, पर ये पायरेटेड है, मुझे ओरिजिनल बुक चाहिए थी। अरे आप ये देखो यार, ये किताबी टॉक्स ही चैनल है ना, ये बंदा हमेशा बोलते रहते कि हमें पायरेटेड बुक्स नहीं लेनी चाहिए, ओरिजिनल बुक्स लेनी चाहिए। अच्छा, नहीं पढ़नी ये पायरेटेड बुक जो तेरे को सिखाता है ना, जाओ उसी से लिया। अरे 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 अरे, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पायरेटेड वर्सेस ओरिजिनल बुक्स, लेट्स एंड दिस डिबेट। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, नेवर बाय पायरेटेड बुक्स, माय वर्स्ट एक्सपीरियंस विद बुक्स। पायरेटेड और जो ये ओरिजिनल बुक्स की जो डिबेट चली आ रही है, जो इतनी सारी वीडियोस भी बनती है, तो भाई इसको बस खत्म करते हैं। आपको मैं फाइनल अपना बताता हूँ, और अगर आपको समझ में आता है ठीक है, और नहीं आता तो यार जैसे आपने इस वीडियो पे कमेंट करे इस पे भी कर देना। अच्छा, तो यार सबसे पहले मेरे को कमेंट आता है, ब्रो दिस वीडियो प्रूव्स दैट मे बी यू आर अ बुक लवर बट नॉट अ रीडर। तो कई लोगों ने मेरे को ऐसे लिखा कि यार तुम ना सिर्फ कलेक्ट कर लेते हो भाई, तुम ना पढ़ते नहीं हो यार, तुम मे बी यू आर अ बिब्लियोफाइल बट आप ना बुक रीडर नहीं हो। तो यार इसके लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस कि यार मैं ना काफ़ी सारी बुक्स ले लेता हूँ, जो कि मैं मानता हूँ कि मैं उतनी सारी बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ उस टाइम पर, बट मैं बुक्स जब लेता हूँ ना तो मैं थोड़ा सा तो स्टार्ट कर लेता हूँ उनको, मैं कंप्लीट नहीं कर पाता, आई एग्री, बट यार पढ़ना भी पसंद है मेरे को। वो बस ऐसा होता है कि उस टाइम पे बहुत एक्साइटमेंट होती है, वो कर लेता हूँ, तो जब नई बुक मंगाता हूँ तो वो बुक स्टार्ट कर देता हूँ, तो जो पीछे वाली होती है वो छूट जाती है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। इस वजह से मेरी बुक्स जो है वो इतनी कंप्लीट नहीं हो पाती, बट मैं पढ़ ज़्यादा लेता हूँ और जो कंटेंट के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया भी लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैं बुक रीडर नहीं हूँ, वो बस ऐसा है कि आपके पास उन जितनी भी बुक्स मैं पढ़ता हूँ आधी अधूरी, उनकी वीडियोज़ या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन मैं उतनी शेयर नहीं कर पाता। नेक्स्ट कमेंट है, यू गॉट डैडीज मनी बट वी एंट गॉट दैट शिट मैन। अब भाई वैसे क्या बोलूँ, मेरे को ना ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भाई इसका बाप तो अंबानी है, अंबानी है मेरा, लोगों को कैसे बताऊँ यार, तू मुझसे नहीं पढ़ी जाती पायरेटेड बुक्स। ऐसा नहीं है भाई, मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर मेरे पास 350 रुपये हैं तो उसमें मैं एक बुक लेना पसंद करूंगा बजाय जितनी भी मैं पायरेटेड बुक्स ले सकता हूँ। वो इसलिए है क्योंकि जो एक बुक मैं पढ़ूंगा ना उसको मैं अच्छे से उसके ऊपर टाइम लगाऊंगा, और उस बुक को वो ना मतलब मेरे लिए सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई मैंने पढ़ ली और उसको मैंने अलग रख दिया, वो मेरे लिए ना एक ट्रेजर की तरह है, वो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। वो 10 घंटे अगर मैं किसी चीज़ में लगा रहा हूँ तो मैं उसको वैल्यू करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस है ना, उसको आप पूरा जीते और वो ही जो है वो आपका जो पैसा है वो वहाँ पर उसकी जो वर्थ है पूरी हो जाती है। तो मेरा बुक्स के साथ भी सेम है कि यार अगर मैं किसी चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई वुड लाइक कि भाई मैं वो जो चीज़ है वो अच्छी क्वालिटी की हो। कंटेंट आई एग्री उसमें सेम होता है, बट जो क्वालिटी है, भले वो पेज की क्वालिटी है, वो बुक की ओवरऑल क्वालिटी है या फिर उसकी स्मेल वगैरह है, टच वगैरह है, ये इससे मेरे को फ़र्क पड़ता है। और मैंने बहुत सारी पायरेटेड बुक्स ली है और मेरे को स्टार्टिंग में ही पता चला है अगर आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन बाय पायरेटेड बुक्स। तो नेक्स्ट कमेंट है, पढ़ना अल्फ़ाबेट है पेपर को, यू आर वेरी लकी कि आपको वो तो मिला कम से कम। ओके, आई एग्री कि यार सबके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि यार वो प्रॉपर ओरिजिनल बुक्स ले लें। जैसे कि अभी ये बुक है, अगर आप पायरेटेड लेने जाओगे आपको शायद 70 रुपये की मिल जाएगी, 80 रुपये की मिल जाएगी, बट अगर आप ओरिजिनल लेने जाओगे ये 400 रुपये की है। और आई एग्री कि यार अगर आपको पायरेटेड लेनी है आप लो यार, मतलब अब यार ये ना मेरे से आपको फिर क्या, मेरे से वैलिडेशन थोड़ा चाहिए आपको, अगर आपको लेनी है आप लो। मैंने अपना ओपिनियन रखा है जस्ट, इट इज़ जस्ट दैट कि भाई ओके इफ आई कैन अफोर्ड, मैं बोल रहा हूँ यार कि अगर आप ले सकते हो, अगर आपके पास 350 रुपये हैं तो आप ज़्यादा बुक से ज़्यादा एक बुक को लो और उसको पढ़ो, दैट विल बी बेटर। तो बस मैं बस उसको ही बार बार रिपीट करूँगा क्योंकि भाई यही बात है। नेक्स्ट कमेंट है, ग्लव्स पहन के पढ़ लो अगर फीलिंग अच्छा नहीं है तो। ओके भाई, पॉइंट टू बी नोटेड। किसी का कमेंट आया, आर यू ईटिंग गांजा? यार किसी को बताना मत। इतना मैंने देखा कि कंटेंट एकदम सेम होता है, इट इज जस्ट दैट कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, उसकी जो स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, मतलब अब यार क्या कर रहा हूँ मैं। डैश पढ़ना रहेगा तो आदमी कैसे भी पढ़ लेता है, ये तो वही बात हो गई कि कोहली बोले हम मैट पिचेस पे खेल नहीं पाएंगे। ज्ञान मत पेला कर इतना। ओके ओके भाई, सॉरी।
दिस वीडियो इज काइंड ओवर एक्टिंग. इफ यू रियली वॉन्ट्स टू रीड पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग डजेंट मैटर, ओनली कंटेंट मैटर्स. ओके, तो आई एग्री कि इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है और मेरे को ऐसा लगता है यार, शिट यार, 9000 व्यूज क्यों आ गए इसमें. मतलब ऐसा होता है यार कि बहुत सारी वीडियोस बनाते कि यार ये तो अच्छी बनाई थी, इस पे व्यूज़ नहीं आए, और जो आप ऐसी बना देते और उसमें इतने सारे व्यूज़ आ जाते हैं. सो दैट इज़ वैट आई वॉन्टेड टू से फ्रॉम दिस वीडियो. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट बुक्स, यू कैन फॉलो माई चैनल किताबी टॉक्स. ऐसे कमाल की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा.